झारखंड के बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूबी गांव में रविवार की शाम एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने और गैस सिलेंडरों के फटने से एक महिला सहित कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में रविवार की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास आग लगी। उस वक्त यहाँ पटाखा बनाने का काम चल रहा था। घर के अंदर 3 सिलेंडर रखे हुए थे। आग लगने के बाद ये सिलेंडर बारी बारी से फटने लगे, जिसके बाद स्थिति और भयावह हो गई। हर तरफ आग की लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये पटाखा फैक्ट्री कई साल से बिना लाइसेंस के ही चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस हादसे में इस पटाखा फैक्ट्री मालिक की 60 वर्षीय माँ जिंदा जल गई। घटना के बाद से मालिक अपने परिवार सहित फरार है।